क्योंकि कहा जाता कि गुरु बिना गत नहीं। सो तुसी जदों तराशन वास्ते तुहाडे कोले आउंदे आ हीरे तो तुसी उन्हां नूं तराशदे हो तो फिर जदों वह तैयार होके कॉमनवैल्थ च वर्ल्ड चैंपियनशिप च एशियाड ओलंपिक च परफॉर्म करते हैं, सब तो वध उस परफॉर्मेंस वेले जे 140 करोड़ लोग देख रहे हैं कि नीरज चोपड़ा ने जैवलिन सुटना है, जे तेजिंद्रपाल तूर नू देख रहे हैं 140 करोड़, तो सब तो वध दिल की धड़कन जिहड़ी है तेज वह उन्हें कोचा नहीं होंदी है कि लास्ट टाइम मैं इन्नी मेहनत की है 4 साल हुण फिनिशिंग द टाइम। देखो मेहनत 4 साल की रिजल्ट 10 सेकेंड च, यह तो औखा पेपर नहीं हो सकता कोई। अख चमके की गलती जी है वह महंगी पै सकती है, पर तुहाडा दित्ता होया कॉन्फिडेंस जिहड़ा है वह जदों झलकदा खिडारी च फिर वह जिहड़ा खिडारी है ना वह आप नर्वस होवे ते ना ही लोग जिहड़े ने उन्हां नूं पता हुंदा वी तां जिवें हॉकी टीम बारे पहली कहण लगे सी तां गोल्ड आऊगा जी, क्योंकि इस बार तां मतलब सच्ची मुची मैं मतलब 4 मिंट लेट 5 मिंट लेट हो गया मैच दे टीवी लाने 2 गोल करी बैठे सी हुण तक पाकिस्तान विरुद्ध, फिर थोड़ा जिहा मैं हाफ टाइम च कोई फोन सुन लग गया 2 फेर करी बैठे सी 10 हो गए जी 10-2 आया उन्होंने इस बार पहली बार होया 2-3 टीमों ने अपना गोलकीपर हटाया एंड च कि आप सारे ही चलो गोल तो हो ही जाते हैं देख लें जी एक अद्धा बंदा बच जाए मूहरे। सो कौन सी गोल की होंगे सी 2 हरमनप्रीत दे 2 मनदीप दे 2 गुरजंट दे वरुण कुमार मतलब लैफ्ट वाला पासा राइट वाला पासा सेंटर वाला कोई यह जा हो नहीं सीगा एरिया कि जितों आप फरे जाइए कि दूजे को जिहड़े कहण के लैफ्ट साइड तो ज़्यादा अटैक करते हैं राइट तो करते हैं। हरमनप्रीत ने जापान विरुद्ध जिहड़े गोल किए हैं आम तौर पर वह कहिंदे राइट साइड पर लाउंदा ना उन्हें लैफ्ट वाले पासे लाए हुए हैं और मतलब स्लो मोशन च भी जिहड़ी बॉल नज़र नहीं आउंदी सी इस तरह की मतलब फट्टा खड़कांदा सी वह क्या साडे कोल टैलेंट दित्ता होया तो बस उस कोचिस दा योगदान है। जदों भी कोई फुल कोई पौधा जिहड़ा वो फुल देण लग जाए कोई दरख्त छां जा फलदार फल देण लग जाए मिठे तो सब तो वध खुशी उहदे माली नूं हुंदी है जिन्हें उन्हूं सिंजिया हुंदा आ। जिहड़े आपां अंब चंडीगढ़ च अंब लगे देखदे आपां तां लाए नहीं नहीं अपने पिता बापू ने लाए ने उन्होंने लाए हुए ने फल आपां खा रहे हैं। सो कोचिंग तुहाडी है कई पीढ़ियां तक इहदा अगे असर रहना। मैं बहुत वड्डा स्पोर्ट्स लवर हाँ बहुत वड्डा स्पोर्ट्स लवर हाँ कला ये नहीं कि मैं कला कोई क्रिकेट या हॉकी मैं सारी टेनिस तो लैके बास्केटबॉल तो लैके सारे बड़ा मैं पढ़ता भी रहना स्पोर्ट्स के मैगजीन पढ़ता रहना। देखो जदों डेडिकेशन हो भी और बस अर्जुन वांगू जिहड़ा निशाना सीधा मछली की अख ही देखती है फिर परमात्मा भी सारिया शक्तियां तुहाडे हक च कर दिंदा। देखो जेना जिन्हें सिल्वर लिया जैवलिन च है उड़ीसा तो ट्रेनिंग इतनी हुई है पंजाब च और किस तरह दोनों नीरज ते जेना एक दूजे को सपोर्ट कर रहे थे पहली बार होया सिल्वर भी साडा गोल्ड भी साडा और मोर दैन 80% दोनों 80 मीटर तो उपर ने दोनों और मैं देखता हुंदा सी बहुत चिर पहला तो मैं खैर वाच करता रहना कि फुटबॉल की टीम है जी जिमें इंग्लैंड वगैरह इंग्लिश प्रीमियर लीग चलती है मानचेस्टर यूनाइटेड वगैरह आर्सनल चैलसी उत्थे मैनेजर कहिंदे आ कोच नूं उत्थे कोच नहीं कहिंदे वो मैनेजर कहिंदे मतलब मैनेजर बदलना टीम का बहुत वड्डा फर्क पै जांदा उत्थे सब तो महंगा मैनेजर है। इसे तरह बास्केटबॉल है जी NBA चलती है उहदे च है। सो तुहाडी जिहड़ी प्रीख्या है असल च वो देनी किसी होर नहीं होंदी है मेहनत तुहाडी है पर उहदा रिजल्ट किसी होर तो उम्मीद किया जाता है तुहाडा प्लेयर होगा तो फिर क्योंकि देखो क्रिकेट है क्रिकेट इंडिविजुअल गेम है उहदे विच कोच ज़्यादा ज़्यादा ये कर सकता है कि बैटिंग ऑर्डर चेंज कर दूगा बॉलर जिहड़ा
वो चेंज कर देंगे कि पहला स्पिनर तो शुरू करा लेने जा आपां पहले 15 ओवर जा करांगे। खेडना प्लेयर नहीं हुंदा, पर टीम गेम जिहड़ी है जिवें हॉकी है जां जिवें तेंदर दा जिहड़ा इंडिविजुअल है, इस बार अपने एथलीट ज़्यादा तीन गए सी, तिना दे मैडल ने, तिना दे मैडल ने। सो जो जो तुहाडा निशाना सीधा हो जाए ना कि बेहिम्मते होंगे ने वह जोड़े बह के शिकवा कर मुकदरों का, उगण वाले उग पेंदे ने सीना पाड़ के पत्थरों का, मंजिल के मत्थे ते तख्ती लगती उन्होंने नावों की, जोड़े घरों बना के तुरते हैं नक्शा अपने सफर का। तो जो तुम नक्शे बना के भेजे इतों, जो तुम नक्शे बना के लेके जाते हो, उदो मंजिल में जाते ही जाते हैं, वो फिर राह च कोई बाईपास या कोई हंप नहीं आता, फिर रुकावट नहीं आती। कई बार मापिया वालों एड्डी बड़ी सपोर्ट होंगी, उन्होंने आप ही चाहते होंगे ने कि असं तो बच्चे इस लाइन च स्पोर्ट्स पाना, तो थोड़े को बच्चा थोड़ा ने भी थोड़ा हो गया जी, अच्छी तो जन्मदिन वाले हाँ हूँ थोड़ा। आ न्यूजीलैंड की टीम आई हुई है क्रिकेट के वर्ल्ड कप चल रहा, वो एक प्लेयर है रचिन रविंद्रा, इंडियन ओरिजिन है, इतों के माँ प्यो गए थे न्यूजीलैंड, उत पैदा होया। तो सोच सकते हो कि वह नाम, चलो रविंद्रा तरह का सरनेम, रचिन की होया, रचिन कभी ना ही सुने से, RACHIN। उसका बापू जिहड़ा सी वह इन्ना क्रिकेट का फैन सी, कहिंदा मैं प्लेयर बनाउणा है, उन्हें राहुल द्रावड़ ते सचिन का बहुत वड्डा फैन सी, उन्हें राहुल चों राहुल दे नाम चों RA लै लिया ते सचिन चों CHIN रचिन, मतलब राहुल द्रावड़ वाली डिफेंस सचिन अटैक। तो उन्हें पहले मैच ही सेंचुरी लाती जी परसों इंग्लैंड के विरुद्ध, इहदा मतलब मापिआं ने पहला सोचा होया सी, उह तां फिर कोच अद्धा अद्धी कोचिंग तां लेके आया उह धरती ते, खेडां दीआं गल्लां चलदीआं होणगीआं, घर च माहौल इदा होगा तो बन जूगा। एको परिवार तीन आ गए, बैंस परिवार च तीन मैडल। सो यह कल्चर अपने दोबारा डिवेलप करना, मैं नहीं कहना कि नवा डिवेलप करना, तो पहला सी अपना बिच दी फिक्की पै गई सी अपनी चमक, उन्होंने हम दोबारा लगे हुए हैं, क्योंकि तुहाडा सीधा संबंध जे मैं कहां, शायद तुसीं घट सोचते होंगे इस बात, मैं बहुत सोचदा, तुहाडा सीधा संबंध पंजाब की जवानी नाल है, और तुहाडा सीधा संबंध कल नूं ड्रग जदों कंट्रोल हो जूगी 100% सब तो वड्डा योगदान स्पोर्ट्स का होगा, सब तो वड्डा योगदान, क्योंकि असी कोशिश करेंगे उधर लाइए उन्होंने, और उधर किवें लगेंगे जे तुसीं होवोगे गेट ग्राउंड च, क्या आ जा बेटा इदां लावा रस्ता छड्ड नहीं सकदे ग्राउंड च, किसी न किसी कोच नूं तां उन्होंने सौंपना ही पऊगा, तां तुहाडा योगदान सब तो वड्डा होगा। मैं कई बार पहले भी गल सुनाई है, तुसीं भी सुनी होनी, उसैन बोल्ट बड़ा वड्डा थ्रीट होया, उन्होंने पूछा गया BBC का इंटरव्यू से कि तेरा कोच कित्थे है, कोच कहते तेरा स्टेडियम च देखे ही नहीं, वह कहते मेरे कोच को आउट नहीं दिंदे, कहते कि हो सकता है, कहते पता नहीं क्यों मेरे को कोच का आई कार्ड नहीं बनाते, कहते तू आ नहीं सकता स्टेडियम च, कहते यार यार चैंपियन तू तो 100 मीटर का 200 का 400 का चैंपियन है, रिकॉर्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड तेरे नाते ने, तो तेरे कोच को क्यों नहीं आने देते, कहना पता नहीं की करते हैं, मेरे कोच को आने देते स्टेडियम च, कहते आ नहीं सकता, कहीं दसो नाम दसो तो देखते हैं, इंडियन अपना इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसीएशन गल करके, वो कहते जमैका दे विच जमे आ, जमैका दे पिंडां च, कह जंगलां च पिंड ने, रोटी खाने वास्ते शिकार करना पैंदा सी, जंगल च शिकार करन जांदे सी, चीते मगर पै जांदे सी, कह चीता मगर पै जांदा सी, फिर भजदे सी, बस कहिंदा फिर इन्ना भजदे सीगे वी पैर एक एक कदम जिहड़ा सही टिकना चाहिए, एक पैर थोड़ा स्लिप करके जमा नाल ही है पिछे, तो कहते जी मेरे कोच का नाँ चीता है, बुलाओ कहता उन्होंने कितने कि स्टेडियम बुलाओगे, जिन्हों के कोच चीते होना कोई दौड़ा च हरा दू जी, आदरण पाइया देखो, ए कई बार कुदरत यहोजे कोच दें, जिस तरह कहा कि सिफत सिर्फ MBBS से इस करके करना आई सी, मेरा कोटा हो जूगा, खेड तो शुरू की भी खेड खेड कोटे चो आ जूंगा, की पता कि खेड ही वह मेन प्रोफेशन बन जूगा, मैं थोड़े सामने खड़ा, मैं तो कह सी चलो जे थोड़ा बहुत राजनीति सुधार आ जाए, पार्लीमेंट बोल बोल देंगे भी ऐं भी बोलिया जा सकता यार, तुम चुप करके मुड़े आने हो, भी थोड़ा दूजे वो कर देंगे भी भाई तुम भी इन्ने चल तो गए हो, जे उठाने होने मुद्दे तठा मैंने भी पता लोग इतने तक लैके जाए, जे लैके गए ने, जे लैके गए ने, यदा मतलब फिर परमात्मा ने कोई विधि बनाई है। मैं अच्छ खेड संबंधित गल करूँगा, लिब्रॉन जेम्स नाँ का एक प्लेयर है बास्केटबॉल का, बहुत कमाल का प्लेयर, बहुत ही कमाल का प्लेयर, मतलब पसीना विकता है,
कि कंपनी ने हायर की एग्रीमेंट किया है मैच तो बाद तो पसीना थोड़ा जहा लेंगे ट्यूब च तो बाद स्टोर से पसीना एक एक ड्रॉप वह मिलता है कि लबरॉन का पसीना बच्चे खरीदते हैं तो उन्हों महंगी है क्योंकि बहुत बड़ा प्लेयर है महंगा प्लेयर है उन्हों खरीद तो लेंदी सी जो टीम से उन्होंने मालक पैसे वह दे के पर नाल दी टीम हारी होंदी सी नाल दे प्लेयर वह हार जाता सी तो उसके बारे गल चल पी भी चैंपियन नहीं बन सकता तो पैसा ही कमा सकता है यह गल उन्होंने बड़ा दिल में लगी उन्हें की किया क्लीवलैंड वो क्लीवलैंड तो आते बेसिकली क्लीवलैंड उसकी टीम है तो उन्हें कहा मैं क्लीवलैंड टीम वापस आ गया मैं पैसे घट ले लूँगा पर अपने कोच को कहने मैंने नाल के प्लेयर मैं अपनी मर्जी के खरीद लैन दूजे टीमों से उन्हें नाल के प्लेयर वधिया ले ले टीम वधिया बन गई पहुँच गए फाइनल च उत्थे बेस्ट ऑफ सैवन होंदा फाइनल जो चार जित जूगा वो जितूगा नाल मूहे गोल्डन स्टेट वॉरियर बहुत तकड़ी टीम स्टीफन करी केविड ड्रायंट बड़े प्लेयर कई सालों तो चैंपियन मैच होने लग गए पहला मैच लिबरॉन की टीम हार गई दूजा मैच भी हार गई तीजा मैच भी हार गई 3-0 से कदे कोई वापस नहीं आया 3-0 तो कि वो टीम जी 3-0 से हार रही हो दोबारा आ जाए कहते भी नहीं यदि किस्मत नहीं लिखी हुई चैंपियनशिप चौथे मैच के जित गया लिबरॉन 3-1 पांचवें में जित गया 3-2 छेवें में जित गया 3-3 सत्तवें मैच के सिर्फ 2 सेकेंड बाकी सी ते मैच टाई सी एक ही बस टाइम आउट लिया क्योंकि बास्केटबॉल टाइम आउट बहुत मायने रखता है टाइम से टाइम आउट ले लिया तो वो कोच का कम है वो कोच जो बनाई रखता सारा कुछ आखिरी 2 सेकेंडा लिबरॉन को बॉल आनी सी लिबरॉन ने 3 की ट्राई करनी दैट्स इट क्योंकि 2 सेकेंड तो बहुत 1.5 सेकेंड ही होंगे लगभग 1.5 सेकेंड ही तो लिबरॉन को बॉल आई तो लिबरॉन ने पाती तो 3 पॉइंटर पै गया लिबरॉन चैंपियन बन गया 4-3 से चैंपियन बन गया तो उन्हें इंटरव्यू किया गया मैदान के ही हजे बाकी प्लेयर भी सारे अजे ग्राउंड से उन्होंने क्या पूछा गया भी की कहना चाहेगा वो कहता रब हमेशा मेरी ना पता नहीं क्यों औखे कामों की ड्यूटी लाता है कहते लै हूँ मैंने कहते भी जिम्मे भी क्लीवलैंड चैंपियन बनाओ क्लीवलैंड की टीम रब कहता पता नहीं क्यों मेरी औखे कामों पर ड्यूटी ला दिता है पर कहता शायद रब न पता है कि मैं औखे काम कर लैंना इन्ना कह के बाहर हो गए सो कई बार रब थोड़ी औखे कामों पर ड्यूटी इस करके लाता है कि उन्होंने पता होंगे परमात्मा के कर लूगा काम सो थोड़ी भी बहुत औखे कामों पर ड्यूटी लगती होंगी कि एशियन चैंपियन पैदा करने ने कॉमनवैल्थ के चैंपियन पैदा करने ने पैरिस तो उम्मीदा बद गई हूँ पैरिस ओलंपिक तो पर यह समझ लियो जिन्ना काम औखा है यदा मतलब परमात्मा भी पक्का पता है कि कर लूगा तो फिर परमा जो चुंज दिता वो चोगा भी दिता जोड़ा कोई जिम्मेवारी दिता वह समत भी बख्शता उसमें निभाने की सो तुम साढ़े पंजाब की एक बहुत करीम हो साडे पंजाब की खेडों का कल्चर जो सा मनिया गया पंजाब जो हसदा वसदा नचदा खेडता पंजाब ग्लोरी वापस लेके आनी है मैं कोई इस गल तो मैं बल्कि हैरान भी हाँ कोच साहब ने दसिया कि धरने ला के पानी दिया मछाड़ा इतों लाठीचार्ज करवा के इतों वापस मुड़ते रहे हैं फिर कहें जी कि मैडल जित के लियो जे कोच में आपके भविख की चिंता होगी वो खिडारी का भविख किवें बना दूगा वो जे टीचर आपके भविख की चिंता होगी तो वह बच्चों का भविख किवें बना दूगा सो घट घट कोच की तो प्लेयर की यह चिंता तो मिटनी चाहिए है ना कि साडा चुल्हा तो चुल्हे में कोई वह ना हो इसी तरह से पहला 12,710 जे अध्यापक से उन्होंने तनखा बधाई ने 55-55 सौ से काम कर रहे थे टीचर उन्होंने 15-15 हज़ार 20-20 हज़ार 25-25 हज़ार किया थोड़े भी दुगुणिया तिगुण 2.5 गुणा अभी तनखा ये कोई खास खास अमाउंट नहीं होंगी गौरमेंट वाले पर जो तुम गोल्ड मैडल जो तुम चांदी का मैडल ज ब्रोंज लैके आने कोई कीमत नहीं करंसी किसी जो देश का झंडा उपर जाता है जो पंजाब के एयरपोर्ट से उतरते हैं टोल बजते हैं फुलकारी उत्ते ताण के जो उन्होंने रिसीव किया जाता है जो पिंड जाते हैं जलेबियों का लंगर लगता है ये गल्लां मायने रखदी फिर कि साढ़े पिंड के मुंडे ने गोल्ड मैडल जितते पहला यह हुंदा सीगा पंजाब के पिंड जिहड़े सी ना वो अचीवमेंट्स के नाते जाने जाते सी आह किहदा पिंड है भी यह फौज के फलाने जरनैल का पिंड है जिन्हें फलानी जंग के इन्ने टैंक उड़ाए थे आह किहदा पिंड है आह फलाने प्लेयर का पिंड है जिन्हें बॉक्सिंग के एशिया के फलाने हराया सी आह किहदा पिंड है जी ये फलाने कबड्डी प्लेयर का पिंड है जिन्हें कदम अपने पिंड से मिट्टी नहीं लगन दी एडा तकड़ा रेडर सीगा पहला पिंड जिहड़े अचीवमेंट जिहड़ियां ने ना उन्होंने नाते जाने जाते बाद हो गया जो नीयत खराब हो गई सरकार दियाँ फिर पिंड जिहड़े ने बलैकिया समैकिया के नाते जाने आ फलाने बलैकिया का पिंड है आ फलाने समैकिया का पिंड है जी है इतों आ समागलर का पिंड है फलाने का
आप वापस हूँ उत्थे लैके आना। मैं पिछले दिन जो 3000 मुंडे कुड़ियाँ PAP ग्राउंड के जो उन्होंने ट्रेनिंग खत्म हो गई तो उन्होंने बाहर फील्ड के उन्होंने जाना सी, मैं उत्थे गया तो जो घर गए वीडियो आईया बहुत वधिया वधिया। हुण पिंडां दे विच इस किस्म का मुकाबला होण लग गया पिंडां च कि अपने पिंड दे हुण किन्ने सरकारी मुलाजम ने, फलाने पिंड दे किन्ने ने, नाल दे पिंडां नूं पुछण लग गए थोड़े पिंड दे किन्ने लग गए बई, साडे पिंड दे 3 पटवारी लग गए, 2 नर्सां लग गए, 2 मास्टर लग गए, 1 SDO लग गया, ऐं गिणाउंदे ने हुण। इह बहुत देर बाद होया कि पिंड आपदे पिंड दे बंदिआं दीआं नौकरियां गिण लग गए क्योंकि मिलने लग गईआं, 37,000 तां इत्थे ही दे चुके आ। बाकी फिर प्राइवेट सैक्टर आ रिहा, जलंधर है स्पोर्ट्स इंडस्ट्री लैके आवांगे, साडियां बनी हुई बॉलों ने इस वक्त रगबी का वर्ल्ड कप चल रहा है पैरिस के, साडियां बनी हुई बैट नाल आ वर्ल्ड कप खेडा जा रहा है, साडियां बॉलों ने जलंधर दियां, साडे फुटबॉल के जिहड़े जलंधर दियां बनी हुई फीफा वर्ल्ड कप खेडा जा रहा है। तो साडे कोल तां नर्सरी हैगी है, साडे कोल सब कुछ हैगा, बस लोड़ है थोड़ा जिहा उहनूं सही दिशा देण दी। बस देखो उही हवा दीवे नूं बुझा दिंदी है ते उही हवा जिहड़ी है अग नूं बधा दिंदी है। जे वड्डी अग लगी होवे हवा अजे लोकां ने हुण नहीं है, हुण मुश्किल नाल हवा चल पई, सो उही हवा दीवे नूं बुझाउंदी है, उही हवा अग नूं बधाउंदी है। सो कोले दा ते हीरे दा कैमिकल फार्मूला सेम है, हीट दा ही फर्क है बस, ते दबाव दा फर्क है, प्रैशर दा इन्ना फर्क हुंदा है। जिहड़ा सुनहरा है, सुनहरा जिहड़ा है वह सोने के बहुत सोहने सोहने गहने बना लैंदा, एक गल याद रखियो, जिहड़ा सुनहरा है वह सोने के बहुत वधिया वधिया गहने बना लैंदा, पर वह तांबे नूं जां पित्तल नूं सोना नहीं बना सकता। इहदा मतलब जिहड़ा उहदे कोले आउंदा है वह पहला सोना होना चाहिए, फिर वह आपदियां फूकां मार मार के छोटे थोड़े नाल उहनूं ढाल लूगा। सो इस करके जिहड़ा तुहाडे कोले आउंदा है वह सोना है, गहने तुसीं बनाउणे ने बस जिहड़े जचण। ते सुनहरे की दुकान पर सोना पिया बड़ा सोहना लगता है, पर कोई यह नहीं देखता कितनी भट्ठिया बिच लंघ के तप तप के आया। सो वो तुसी भट्ठिया जिहड़ियां बाल के तपाउने हो, फिर उन्हों राड़ के कढ़दे हो, जो फिर वो जो जाता है ग्राउंड फिर वो कहता मैनू छड़ दो हुण मैं दुनिया जितनी है। मैं देखे मुंडे सूए दीआं पट्टियां ते नंगे परी भजे जांदे हुंदे सी, एक्सीडेंट भी होए। मैं उदों MP सी, मुंडा संदौड़ दा, संदौड़ में एक साडा MP साडे घर इदां दा एक प्रोग्राम करदा हुंदा सी, मैं इलाके जांदे सारे च, उत्थे एक मुंडा आया 18 साल दी उमर 18 रोई जावे। मैं पुछा की हो गया, वो कहिंदा जी फौज भर्ती होना सी ते सारा कुछ ठीक सीगा, अगले दिन पेपर सी अपना टेस्ट सीगा फिजिकल, भज्जिया जांदा सी रात नूं सड़क ते, ट्रैक्टर दे तवियां पाईयां होईयां सी, ओह तवियां बाहर सी ट्रैक्टर दी, उस नूं लाती लै गए नाल ही। मैं रो पिया, कहिंदा जी मैं फौज 'च आउणा, मैं कहा हुण पाणा तां बापा पै गया। उहदे असीं MP फंड चो नकली लत्त लवाई, पर 18-19 साल च इन्नियां इच्छावां सी ते किधर नूं, इह जी गलती सिस्टम दी है, कितें ग्राउंड उहनूं वधिया मिलिया हुंदा, उहनूं की लोड़ सी कि सड़कां ते भज्जण दी, कितें उहनूं वधिया ट्रैक मिलिया हुंदा। सो असीं पहलां मैं नहीं फिर जी नाल गल कीती, मैं कहा वी बाद च तां आपां देणे देणे ने मैडल जित्तण तों बाद पैसे, किहड़ा मैडल जित्तण जोगे तां करिए, पहलां पैसे देईए थोड़े जिहे, बूट बाट तां लै लैण वधिया, वो गद्दे ते तां प्रैक्टिस कर लैण जिहड़ा मिलूगा अग्गे जाके, इत्थे मिट्टी ते करदे रहिंदे प्रैक्टिस, उत्थे जिहड़ा वो गद्दा हुंदा उत्थे ग्रिप नहीं बनदी प्रॉपर। वो जिहड़ा मीं तो जो जदों बरनाले दा मुंडा आया सी जित के हैमर थ्रो च, हाँ वो कहिंदा सी, कहिंदा उत्थे तां है ही नहीं, हाँ जिहड़े तो मैं प्रैक्टिस करी जाना, हाँ दमन, वो कहिंदा उत्थे तां मैं देखिया, कहिंदा वो तां बहुत ही छोटा सी, कहिंदा मैं तां प्रैक्टिस बहुत वड्डे च करी गया, मेरा तां हुण पता नहीं किवें होगा। सो सानूं घट्टो घट्ट इंटरनेशनल दा इंफ्रा तां मिले ना, अगे जितना ना जितना चलो वो भी तैयारी करके आते हैं, अगे कोई कोई अपन कोई इदा सौखा मिलता है, पर घट्टो घट उस लैवल से साड़ी तैयारी तो हो कि जिहड़े गद्दे ते असी प्रैक्टिस कर रहे हैं इतने उही गद्दा होगा एशिया या पैरिस के। हुण आपां नूं पहलां की करिए ने आपां घाह वाले ग्राउंड से प्रैक्टिस करिए, वो ग्रीन एस्टोटर्फ लै, आपां ग्रीन ते भजना सीखिया उन्होंने ब्लू करती, ब्लू होर फास्ट है। सो सानू अपडेट तो हर वक्त रहना पेगा, तुम देखते हो अच्कल कोच जोड़े ने उन्होंने को कंप्यूटर ने, वो तो ना दे देखी जाते हैं भी की हो जाता किमें हो जाता, सारे दूजे प्लेयर भी हूँ जिमें मैं कह अर्जुन राणा तुंगा सी कैप्टन श्रीलंका, मैं ज़्यादा टाइम तो ले रहा देख लो मैं, पर मैं चंगा लगता कि मैं
मैनू भी वधिया लग रहा कि राजनीति तो बिना कोई होर गल्लां हो रही नहीं तो तू ऐ करता हो तू ऐ करता हो मैं ऐ करता हो वही चली जाता रहना। अर्जुन राणा तुंगा कैप्टन सीगा श्रीलंका का 96 का वर्ल्ड कप सीगा। सनत जयसूरिया जिहड़ा सी ओह एज ए बॉलर आया सी 8वें नंबर से बैटिंग करता सी ते उदो नवा नवा कानून बनया सी कि 15 गज के एरिए प्लेयर रहेंगे सिर्फ 2-15 तो बाहर रह सकते हैं। तो पहलों तो माइंड सैट से कि पहला विकटा बजा के रखो 30 ओवर जो कितने 100 रन बन जाता 1 विकट कहते बहुत वधिया स्कोर है 250 तो मानते भी जित गया जिता है ना इदा ही माइंड सैट से सारे कैप्टन का। जयसूरी ने अपना राणा तुंगा ने जयसूरी बुलाया कि मैं तेरे उपर भेज लग्या ओपनर तू चक दे तू तू नहीं देखना बाल किधर जाती तू घुमा दे वह कहते मैं टीम चो कढ़ दोगे कहना मैं तेरे पूरे वर्ल्ड कप की गारंटी दिना मैं तेरे टीम चो नहीं कढ़ता मैं घुमा दे। लो जी वो सर जयसूरिया तो कालू बिदरना दोनों आने लग गए उन्हें तो जी बैट भी नहीं देखा पुट्ठा है जहाँ सीधा है वह तो कमाने लग गया जी क्योंकि बंदे बा बंदे 30 गज एरिए उत्तों नहीं जाया करे हरेक कैप्टन सोचा करे बस हवा चढ़ाने लग गया तो बस गया 2-4 बाल ही है जदों तक उन्होंने ये पता लगता स्कोर होंदा सी 12 ओवर 122 रन जयसूरिया 98 कालू बिदरना 2 कल ही कुटी गया जी जदों तक टीमों को यह पता लग्या कि आप भी ऐ कर सकते हो तक 96 वाला वर्ल्ड कप श्रीलंका टीम जित गई सी जी आई है जी कोचिंग ते कप्तानी फिर उस तो बाद सारे ने बदला बदलिया गिलक्रिस्ट भी उपर आने लग गया असी भी तेंदुलकर भेजन लग गए उपर एलेक्स स्टीवर्ट भेजन लग गए इंग्लैंड वाले जिन्हें पिंच हिटर से सारे उपर भेजन लग गए फिर भी भाई पहले वाले 15 ओवर जी बनाओ हूँ तुम देखो ना माइंडसैट T20 ने कि चेंज करता हूँ 400 रन आराम बन जाता 50 ओवर अकाली बन के हटे 426 428 और जो बाद खेलते हैं वो भी 350-300 बना जाते हैं तो 350-300 तो हूँ आम जी गल होगी पहला तो चेंज होंदा रहिंदा जी प्लेयर का स्टाइल नवें नवें शॉट आ गए नवें नवें तरीके आ गए सो एथलीट का एक एक पैर एक एक उंगली कंप्यूटर अटैच है हम सारी क्योंकि दूजे कोच भी देखते हैं कि जिन्हें ना सा मुकाबला उन्होंने चोदा वीक पॉइंट कि पॉजिटिव पॉइंट कि भी देखते हैं फिर कला मुरलीधर नीनो तो हजे तक भरिया गया अदरवाइज बाकी सारे जिहड़े सीगे जिन्हें भी कोई ये इस तरह के कोई किसी होर ही नवी किस्म के जिहड़े बॉलर सीगे जां बैट्समैन सीगे उन्होंने सारे कोचां ने बाद च पढ़ लिया फिर वो मलिंगा वो इदां बॉल करता सीगा ते मुरलीधर चलो जो बाँह उहदी जम्मा अंदरों ही खराब सी वो इदां करता सी उहदा पता नहीं लगता सीगा किहड़ी किधर घुमाऊगा बाकी सारे उन्होंने पढ़ लिया। सो अजक कोच नू भी अपडेट रहना पैंदा जी कि जी आ प्लैन बी की है फिर जे ये इतों आपां ये उन्होंने पढ़ लिया तो बी प्लैन की है बैंच स्ट्रेंथ की है बैंच वाले कदों को भेजना है ना अगर नवी टीम भी तैयार करनी है ना कई बार अंग्रेजी भी एक कहावत वो कहावत गलत हो गई वैसट इंडीज़ की टीम सी जो जिक्र करता सी नवदीप जो उन्होंने कोटली वॉश एम्ब्रोज मैलकम मार्शल पैट्रिक पैटरसन मतलब एक तो 7-7 फुट के कद उत्तों जंप चकना है उत्तों बाँह उपर है उदा ही लगता जिम्मे चुबारे चो सटे कोई तो इतों की लंघती सी जी भजते भजते कोल ही आ जाते बैट्समैन के वो कहें समैल द लैदर मैन कहते चमड़े आई है थोड़ी बहुत सुगंधी तेन इतों ही लंघती सी वो आउट करने यकीन नहीं रखते बाहां लत्त तोड़न से यकीन रखते थे इस करके बड़े बड़े प्लेयर वैसट इंडीज़ दौरे तो अपना नाम वापस ले लेंगे कि मैं नहीं जाना बाद साल खराब हो जूगा जी बाँह तोड़ती तोड़ी है श्रीकांत की बाँह तोड़ी उन्होंने किन्न की तोड़ी है जीती गए अंग्रेजी की कहावत है नैवर चेंज है विनिंग कंबीनेशन वो कहावत जी गलत साबित होगी जीती गए चलो एक टाइम यह जहाँ गया 8 प्लेयर इकट्ठे रिटायर हो गए वैसट इंडीज़ टीम नवे आ गए जमा ही हूँ उन्होंने बांग्लादेश भी हराया होंगे ऐतकी वर्ल्ड कप अपलाई भी नहीं अपना क्वालीफाई नहीं किया दसो क्योंकि उन्होंने की गलती कर ली उन्होंने बेंच वाले प्लेयर एक्सपीरियंस देना चाहिए सी एक दो रख दे क्योंकि इन्होंने भी तजर्बा हो जो तक कोई चेंज होंगे तो आ जाते नवे सो बेंच स्ट्रेंथ से भी बहुत कोच का होंगे कि किड़े किड़े हूँ भेजना कि बाहर कटना कि सट तो बचा कि अगले मैच वास्ते सामभ के रखना। सो मैं बहुत इस गलों कोचा का भी मैं आई क्यू देखता रहना कि उन्हों का स्टाइल है कि काम करने का स्टाइल है किड़े कोच का जोड़ा अक्रामिक स्टाइल है किड़े ने डिफेंस क्योंकि जो आपका स्टाइल होगा वही टीम च आ जाता फिर टीम च। सो मैं तो यही कहना देखो कोच के कप्तान ने दो टीमों के कोच के कप्तान ने एक एक एक, एक पॉजिटिविटी तो नैगेटिविटी का इतों फर्क पै जाता है एक टीम का कोच तो कप्तान कहते हैं अपनी टीम को चलो भी अज जितना
दूजी टीम का कोच तो कप्तान कहिंदे ने चलो भाई अज हारना नहीं, गल तो सेम ही है ना, सेंस तो सेम है, पर जो दूजी है वह हार है, हार नूं बचाउण वास्ते जा रहे हैं, पक्का हारनगे फिर, वो पहले ने तो हार का ना ही लिया उन्हें क्या जितना, सो जी पॉजिटिव रहांगे चलो भी अज जितना है जो चलो भी अज हारना नहीं, फर्क है। सो इस करके मैं उम्मीद करूँगा कि आपां पहले फार्मूले नूं लागू करके रखिए, चलो भी अज जितना है, चलो भी अज फिर जितना है, बार बार जितना है। सो जिस तरीके 68 गोलों 43 गोल तो अपने पंजाबियों के ने हॉकी च और 19 मैडल ने पहली बार 1951 तो बाद होया 15 सी 51 च 19 हो गए, आजादी तो बाद रिकॉर्ड टुट गया, अगे 19 तो 38 भी होणगे, 38 तो 76 भी होणगे, क्योंकि जिस मूड दे विच तुसीं अज बैठे लग रहे हो मैनू मैनू उम्मीद है कि तुसीं जाके ये जिहड़ी अपनी पॉजिटिविटी है सीधी ग्राउंड च ते प्लेयरां नूं तैयार करन च करोगे। असीं हुण प्लेयरां नूं भी कोई खुराक पक्खों जां किसे इंफ्रास्ट्रक्चर दे पक्खों कोई ऐसी कमी नहीं छड्डांगे, खेड नर्सरियां बना रहे हैं उन्होंने बिच पाइए, जिहड़ियां खेडां अलोप ही हो गईआं, खो खो जिमनास्टिक गोला हैमर थ्रो किन्नियां खेडां होंदियां सी जिहड़ियां स्कूलां सानूं लंबी विसल मार के पीटी मास्टर ते टीपी मास्टर कराउंदे हुंदे सी, पता नहीं मतलब किस तरह का आई क्यू सी साडियां सरकारां दा पिछलियां दा, जमें ही ध्यान नहीं दिता बिल्कुल भी किसी फील्ड ते ध्यान नहीं दिता भी, चलो कोई हस्पताल ही बनाते होण, कोई स्कूल ही बनाते होण, कुछ सड़क ही बनाती हो, सड़क प्राइवेट कंपनियों को बेचती हैं लागे टोल टोल प्लाजे। सो हुण जिहड़ा परमात्मा ने मौका दिता है, फिर उही मैं गल कहूँगा लिब्रॉन जेम्स वाली, औखे काम ते ड्यूटी लाई है पर परमात्मा नूं ही पता है कि आपां औखा काम कर लैंदे आ, तुसीं तुहाडा साथ मिलेगा तो यह औखा काम बहुत सौखा हो जाएगा, यह औखा काम बिल्कुल सौखा हो जाएगा। और बस यही गल कहूँगा मैं फिर एक बारी कि अपने जिन्हें भी तुसीं प्लेयर अगे लैके आने ने उन्हां नूं पॉजिटिविटी ते नाल स्पोर्ट्समैनशिप स्पिरिट जिहड़ी है वो एको ही चीज़ है जी, खेड खेडा ने चीज़ जित ते हार तो बाद दोनों टीमों कुछ हाथ बनाई ने उस वे, जो यूक्रेन ते रशिया वाला युद्ध बंद हो गया अज हाथ बनाएंगे, कई कई साल दुश्मनियां पै जांदियां ने, खेडा ने जित हारन तो बाद कैप्टन जिन जितने नूं बधाई दिंदा तो जिहड़ा जितना वो कहिंदा कोई गल नहीं हार लक वैल प्लेड। सो इस करके इस स्पोर्ट्समैनशिप स्पिरिट भी आपां जिहड़ी वो रखनी है, कोई तिकड़मबाजियां खेडां च नहीं होनियां चाहीदियां, खेडां च राजनीति नहीं आनी चाहीदी, खेडां नूं सिर्फ खेडे रखिए, मतलब मैच जित हार चल जांदा, इको टीम कबड्डी दी वो एक 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 पिंड च हार जांदी है अगले दिन तीजे पिंड च उही टीम जिहड़ी है ओपन दा मैच फस्ट प्राइज जित जांदी है, मैच जित हार हो जांदी है, कबड्डी की खेड नहीं हारनी चाहिए। मैं अक्सर टूरनामेंट जाके गल कहना हुंदा कि मैच हारना जितना चलता रहिंदा पर गेम नहीं हारनी चाहिए, कोई चीटिंग नहीं होनी चाहिए, उस कोई वो धोखा या कोई इस तरह का कि जिदे फेयर प्ले ना मिले फेयर ग्राउंड ना मिले, ऐदा नहीं होना चाहिए, अगे जितना हारा कोई चक्कर नहीं। चल तुम देख लो कि जो ही कित खिडारियों के शक हो उस गेम पर असर पै जाता, फिर फिक्सिंग का आ गया सी रात, लोग यकीन करने हट गए थे भी पता नहीं कि मैच यार बेचा होया, पता नहीं कि मैच खरीदया हो, सो देना की है गेम की स्पिरिट तो बहुत डैमेज होंगे फिर। सो इस करके आप पंजाबी हाँ, आप दूजे दियाँ जिहड़ियां फौजां ने उन्होंने हरा के और दूजे के हकों की राखी लिए आप लड़ते रहे हैं, असी तो मन्ने गए हैं इस काम च के चाहे तुर्की च भचाल आ जाए चाहे सीरिया च जंग लग जाए बाकी इंटरनेशनल संस्थाव आन ना आन साडा लंगर जरूर लग जाता गुरु साहब का जिहड़ा 20 रुपए वाला लंगर है वो जरूर शुरू हो जाए, तो मन्ने हुए इस गल। सो अपने तो उम्मीद भी जिहड़े ने दुनिया भर के लोग करते हैं कि जिहड़े पंजाब वाले हैं ये ईमानदार प्लेयर ने और जिहड़े बेस्ट प्लेयर ने। मैनू मेरे डैडी ने दस्या गल ये हुण वो है नहीं दुनिया च मास्टर जी, पर मैनू स्पोर्ट्स का उन्होंने बहुत शौक से मैनू भी उत्थों ही जिहड़ा शौक लग्या उत्थों मैनू भी चिणक भारतीय हाकी टीम च उस वेले 8 प्लेयर जिवें हुण 10 ने 8 प्लेयर से जूड़े किए होंगे सी वाइट रुमाल चिट्टे रंग का रुमाल, तो 8 प्लेयर एमस्टरडम के स्टेडियम च मैच हॉलैंड नाल, तो एक गोरा दूजे गोरे को पुछदा कहिंदा यार इंडिया की टीम की यूनीफॉर्म एक नहीं हैगी, वो कहिंदा किवें,
ਕਹਿੰਦਾ ਵਿੱਚੋਂ ਸੱਤ ਅੱਠ ਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਹੈ, ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਤਾਂ ਟੀਮ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਟੀਮ ਦੀ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਉਸ ਗੋਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਦੇਖੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ 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 ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਨਾ, ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਹੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਬੈਸਟ ਪਲੇਅਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੋਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਵੀ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹੋ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਆ ਗਏ ਹੁਣ ਇਹ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸੁਭਾਅ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਨੰਬਰ ਵਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹ 'ਚ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਪਿਰਿਟ ਹੈ। ਸੋ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਕਨੇਡਾ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ, ਕੋਈ ਥਾਈਲੈਂਡ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੀ ਟੀਮ 'ਚ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ, ਕਿੰਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਡੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਭਾਈ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਖੇਡ ਰਿਹਾ, ਦੂਸਰੇ ਭਾਈ ਕਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਖੇਡ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੇਮ, ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਕ, ਆਪਣੇ ਖਾਣੇ, ਆਪਣੇ ਗਾਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਦੇਰ ਆਏ ਦਰੁਸਤ ਆਏ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਪਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ 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 ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਚਿੰਤਾ ਛੱਡ ਦਿਓ ਕਿ ਸਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਉਹ 3% ਪਲੱਸ ਆ ਪਰ ਈਅਰ, ਉਹ ਵੀ ਕਰਤਾ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਵਾਰਡਸ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ, ਆ ਜਾਣਗੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਖੇਡਾਂ ਵਾਲੇ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਜਿੰਨੇ ਕੈਸ਼ ਦੇਣੇ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਐਂ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ 4-4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਅਵਾਰਡ ਪਏ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਏ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਤਰੱਕੀ ਕਰੂਗਾ